हेलो नमस्कार, मैं नमर चैनल में आपका स्वागत हूँ। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियुक्तिकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर फिर से हल्ला बोलेंगे भोपाल में, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को जो भी 2 तारीख की महापंचायत में घोषणा की गई थी वो लागू नहीं की गई है। तो मंगलवार को जो आप अतिथि शिक्षक हैं जिनको निकाल दिया गया, अगर उनको नहीं रखती है सरकार या पुनः उनकी नियुक्ति नहीं करती है, तो बुधवार से फिर से अतिथि शिक्षक भोपाल में DPI का घेराव करेंगे। और 1 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया अतिथि शिक्षकों के द्वारा कि जो भी घोषणा की गई वो जल्द जल्द लागू नहीं होती हैं, तो 1 तारीख से फिर से भोपाल में आदमी बैठेंगे और अपनी मांग को लेकर निरंतर प्रयास करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है अतिथि शिक्षकों को लेकर, क्योंकि सभी लोगों के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है जो जो महापंचायतें हुई थी, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द इनके हित में जो भी घोषणा की है वो लागू की जाए और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है अतिथि शिक्षकों को लेकर, जिसके संबंध में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। और रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के लिए, क्या सूचना दी है, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। अल्टीमेटम जो दिया गया है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को कि सभी अतिथि शिक्षक ज्ञापन देवें, DPI को ज्ञापन भेजें, 1 तारीख तक अगर नहीं होता इनके हित में कोई फैसला तो फिर 1 तारीख के बाद भोपाल में उग्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी आदेश जारी किया गया। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। और कल हमारा प्रयास होगा कि हम कल छुट्टी रहेगी तो श्री चौबे जी से एक बार फिर मुलाकात करें। शिक्षा मंत्री वर्तमान में भोपाल में नहीं है, मैंने फोन लगाया था कि अभी जो साथी हमारे बाहर हैं उनको अंदर कैसे करवाया जाए या अनुबंध की बात हो, क्योंकि वो कर सकते हैं केवल शिक्षा मंत्री जब कहेंगे तभी होगा। कि आप प्रशिक्षित साथी सुन ले, अगर सरकार मंगलवार तक आप प्रशिक्षित के लिए आदेश नहीं करती है, जो साथी हमारे बाहर हैं उनके लिए आदेश नहीं करती है और जो नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो सभी लोग बुधवार को DPI का घेराव करेंगे। सभी पूरे प्रदेश से एक एक अप्रशिक्षित साथी जिसकी फीडिंग नहीं हुई है वो साथी, और जो बाहर हो रहे हैं लगातार वो सब, सभी लोग DPI पहुंचेंगे और अपना अनुबंध का आदेश, अप्रशिक्षित जो मनमानी तरीके से बाहर कर रहे हैं जो भी हो उनके खिलाफ आदेश नहीं हुआ और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, चाहे फिर हमें वहां जो करना पड़े। देखिए सर, एक बात मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप गूगल फॉर्म भरवाते हो, बहुत लोग लिख रहे हैं पैसे कमा रहे हो। हाँ कमा रहे हैं, बिल्कुल कमा रहे हैं, आपको काम करेंगे तो पैसे आपसे ही लेंगे। तो आप लोग एक चीज को स्पष्ट कर दूं कि सरकार, देखिए आपका संगठन कितना मजबूत है आपको पता है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि संगठन में कितनी संगठन कितना मजबूत है, किस हिसाब से चल रहा है। संगठन में इतना ही दम होता तो बहुत कुछ आज को हो गया होता। संगठन में दम ना होने का कारण वही है कि ऐसे लोग जो छुपे रहते हैं लेकिन जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो आगे कब्जा करते हैं। तो सभी लोगों को मैंने इसलिए बोला था कि सभी लोग आवेदन, अभी एक और मुहिम चलाऊंगा बहुत जल्दी, उसके लिए कोई पे नहीं रहेगा। सभी साथी हमारे पूरे मध्य प्रदेश से एक एक अंकित शिक्षक, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, आयुक्त के नाम पे लेटर लिखेगा और रजिस्ट्री करेगा अपने घर से ही कि तत्काल जो महापंचायत में घोषणा हुई है उसे लागू करवाया जाए, और अगर लागू नहीं होता है तो 1 तारीख से संपूर्ण मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचेंगी। ऐसा आवेदन बना करके मैं अभी उसके एक ड्राफ्टिंग करके दे दूंगा। 40% और 50% के लिए मैंने गूगल लिंक बनाई है, सभी लोग जितना अधिक से संख्या में हो सकता है तो DPI में आवेदन पहुंचाएं कि हमें जिस प्रकार से EWS को 10% की छूट दी गई है उसी प्रकार से हमें भी 10% की छूट प्रदान की जाए। अगर ST SC OBC है तो उसे 60 नंबर पे और जनरल वालों को पास माना जाए,
तो सभी लोग जितनी अधिक से अधिक भारी संख्या में हो सके मध्य प्रदेश आयुक्त महोदय तक इस लेटर को पहुंचाए कि हमने हमें ईडब्ल्यूएस की भांति 40 से 50% आरक्षण, 10% का आरक्षण दे करके 40% में एसटीएससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और 75 नंबर में जनरल वालों को पास माना जाए, सभी शिक्षकों को क्वालिफाइड माना जाए। इस संबंध में माननीय न्यायालय ने भी आदेश दिया था अभी वर्ग एक के लिए, और बहुत सारे साथियों ने हमारे वर्ग एक के लिए केस भी लगाया था। तो सभी लोग जितनी अधिक संख्या में आवेदन भेजेंगे उतनी जल्दी आपका मामला, जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस में हुआ, ईडब्ल्यूएस से लगभग 350 से अधिक आवेदन डीपीआई पहुंचे और तत्काल उस पर ऑर्डर हुआ, तो इसी प्रकार आप लोग भी 40%, 50%, 2008 वाले, 5 वाले, 11 वाले सभी लोग बल्क में बिल्कुल भारी से भारी संख्या, कम से कम नहीं तो हजारों की संख्या होगी हमारे समझ से पूरे प्रदेश में, सभी लोग मिलकर इस प्रकार का पत्र डीपीआई को लिखें, और या तो गूगल सीट में ये लिंक डाल दी है आप प्रशिक्षित के लिए 2011 8 और 5 में वेपम पास और साथ में 40% और 50%, तो सभी लोग या तो गूगल सीट के माध्यम से आप लोग पहुंचा सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्टली अपने माध्यम से भी उसे वहां जमा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप गूगल सीट के माध्यम से ही पहुंचाएं, आप सब लोग अपने खुद के माध्यम से भी उसे डीपीआई तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद जो साथियों जो साथी मतलब स्कूलों में लगे हुए हैं, जो प्रशिक्षित हैं, जिनका काम हो चुका है, वो सभी लोग रजिस्ट्री करेंगे, एड्रेस मैं दे दूंगा बहुत जल्द, तो सभी लोग डीपीआई के लिए लोक शिक्षण संचालनालय, बल्लभ भवन, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री, चार लोगों के नाम पे लेटर लिखेंगे और ये कहेंगे भैया क्योंकि नेताओं के भरोसे हम कब तक रहेंगे, तो जो भी महापंचायत में आपने घोषणा की थी, जितनी भी चीजें महापंचायत में घोषणा की है, सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें कि कल कल से ये मुहिम शुरू कर दिया जाए, सोमवार से बिल्कुल 2 से 3 दिन के अंदर हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और पीएस मैडम और आयुक्त मैडम तक लेटर पहुंच जाइए कि हमें जो अनुबंध की बात की थी वो अनुबंध लागू करिए, जो आपने 20 अंक और 50% आरक्षण की बात कही थी उसको इसी सत्र में लागू करिए, साथ में जो बढ़ा हुआ मानदेय आपने कहा है उसको भी तत्काल लागू किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी सरकार हमारे लिए अन्य चीज, अन्य लोगों का आदेश भी हो गया और देख रहे हैं कि रसोईया का आदेश आया तुरंत, उनका ऑर्डर भी निकल गया, और इसके बाद अगले विद्वान का की महापंचायत हमसे पीछे हुई, उनका भी ऑर्डर हो गया, तो सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत जल्द से जल्द इस प्रकार की के काम कर लिए जाए। बिल्कुल सर, आपसे ज्यादा चिंता मुझे भी है कि सबसे भोपाल, बालाघाट और एकाध जिले ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत इन जिलों में हो रही है, क्योंकि ऐसे भी यहां पे कोई जगह नहीं है, कहीं भी खाली नहीं है, बड़े मुश्किल में जगह मिलती है, और इसके बाद जब जगह मिलती है तो देख ही रहे हैं क्या होता है कि कोई ना कोई ट्रांसफर से जाता है, कोई ना कोई बदौलत में जाता है, कोई ना कोई प्रमोशन से जाता है, तो बिल्कुल हम भी आपके जैसे ही हैं, हम भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप अधिकारी हो कौन हो, तो मैं जो लोग मुझे देख पा रहे हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं भी एक अतिथि शिक्षक हूं, सीढ़ी लेकर रहने वाला हूं, रविकांत गुप्ता मेरा नाम है और वर्तमान में मैं भोपाल में रह के गेस्ट में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोहेफिजा में कर रहा हूं, और पद की बात कहें तो संगठन में एक छोटा सा पद है अपना, प्रदेश सचिव के रूप में काम कर रहा हूं, और आप सबका आशीर्वाद रहा तो आगे भी काम और अच्छा काम करते रहेंगे। सबसे बड़ी खबर इस टाइम पे जो लोग बाहर हुए हैं उनमें मैं भी था, प्रेजेंट मैंने कहीं और ज्वाइन किया है, क्या करे सर, नीति ऐसी बनाई सरकार ने हमारे खिलाफ, और अभी भी लोग संभल नहीं रहे हैं। आज मैंने कुछ लोगों का पोस्ट देखा था, बस तो मैं ग्रुपों में समय देख नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता, लेकिन कुछ ग्रुपों को खोल लेता हूँ, उसमें देख रहा था मैं आज की कुछ लोग लिख रहे हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है। हमारे समझ में ये नहीं आता कि जो ये नेता बनते हैं,
जो मसीहा बनते हैं, कुछ को छोड़ के, सब नहीं पर कुछ तो हैं। कि जब हमारे साथी परेशान होते हैं तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं ये, लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा होने वाला होता है तो मंच पे आके सबसे पहले कब्ज जमाते हैं ये। कौन सा आदेश करवाए झारिया जी, हमारे हाथ में कौन सा आदेश है बताओ? राजेश अहिरवार जी, आप मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज करिए, 74.76 बिल्कुल आप क्वालिफाइड माने जाओगे, आपके लिए कर रहे हैं। नीलम धापड़ द्विवेदी जी, सॉरी बताइए क्या हेल्प चाहिए? बिल्कुल हेल्प के लिए हम तैयार हैं, इसीलिए हम इसके लिए तो हमेशा हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। ज्वाइनिंग का सर, अब तो मेरे सामने परसों उनने पोर्टल ऑन किया था, क्या कारण हो गया क्यों बंद कर दिया बाद में, क्योंकि उनने कहा कि हमने चालू कर दिया है और बिल्कुल, लेकिन बाद में क्यों बंद कर दिया ये समझने से परे है। धारिया जी, घोषा वाले आदेश सर, अनबंद वाले आदेश महोदय, ये तो ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ।